सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने गोरखपुर व बस्ती मंडल के पदाधिकारियों के साथ एनएक्सी भवन में बैठक की, जिसके संबंध में सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि यहां पर गोरखपुर व बस्ती मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठक की गई है। हम लोग अभी से 2024 लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग NDA के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश से 80 व पूरे भारत से 330 से भी ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर सभी नागरिकों को अपने घर पर तिरंगा लगाना चाहिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा, आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी गोरखपुर मंडल बस्ती मंडल के संगठन की समीक्षा के लिए इधर जिम्मेदार नेताओं को बुलाया गया है। समीक्षा होगी, जो काम दिया गया था उस काम में क्या पूरा हुआ, क्या कमी रह गई है, उसी की जांच पड़ताल के लिए इधर बुलाया गया। सर, लोकसभा को लेकर क्या तैयारियां भी NDA काफी स्टाफ बने हैं? हम लोग अनवरत जनता के बीच में रहते हैं, हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। अब तो हम लोग NDA में भी शामिल हो गए, हमारे तमाम सहयोगी दल हैं, हम सब लोग मिल करके उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेंगे और पूरे देश में 330 प्लस सीट जीतने का जो लक्ष्य NDA के सामने है, उसको उससे भी ज़्यादा सीट हम लोग जीतेंगे। अखिलेश जी कहते हैं 80 लोकसभा सीटें हम लोग जीतेंगे NDA वाले। अखिलेश जी झूठ बोलते हैं, उनको तो एहसास हो जाएगा। 47 से ओम प्रकाश राजभर साथ गया तो 125 पहुँचे, हट गया तो फिर अब कहाँ जाएंगे? 24 की गणना होगी, उसके बाद तो फिर हम मिलेंगे गोरखपुर आपसे। हर घर तिरंगा अभियान का अभी मुख्यमंत्री जी ने अपने आवास पर तिरंगा लगाकर शुभारंभ किया है। अच्छी शुरुआत है, सभी लोगों को अपने घर पे तिरंगा लगाना चाहिए।